नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेलिंग। तो हम कैसे 3ds Max के अंदर रेलिंग्स को क्रिएट करते हैं, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में कि हाउ टू यूज़ रेलिंग इन 3ds Max। तो रेलिंग को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद AEC एक्सटेंडेड का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेलिंग शो हो जाएगी। तो रेलिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे उसको पहले तो स्पेसिफाई करना है उसकी विड्थ को। विड्थ स्पेसिफाई करने के बाद आपने इसकी हाइट को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ। मेरा जो माउस है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। इसको इरेज करते हैं यहाँ से और डिलीट कर देता हूँ। मैं साइट को फिर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद तो जैसे कि मैंने इधर फाइल को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद स्टैंडर्ड परमिटिव्स की जगह हमने AEC एक्सटेंडेड लेना है और यहाँ पे आपको रेलिंग मिल जाएगी। रेलिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपने इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना है एंड देन आपने इसकी हाइट को स्पेसिफाई कर देना है। करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे आपको बड़ी सारी यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से कोई भी सेटिंग यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं यहाँ से एक एक करके हर सेटिंग के बारे में आपको बताता चलता हूँ। तो पिक रेलिंग पाथ जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई लाइन या कोई भी एसपी लाइन आपने क्रिएट की हुई है तो उसके थ्रू भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी लेंथ आ जाती है, तो लेंथ कितनी देना चाहते हो उतनी लेंथ आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 फीट दे देता हूँ कि हमारी 10 फीट की यहाँ पे लंबी एक रेलिंग है। रेलिंग देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है टॉप रेलिंग। तो टॉप रेलिंग जो होती है हमारी, ये वाला पोर्शन होता है, तो टॉप रेलिंग अगर आइदर आप स्क्वायर में या नन करना चाहते हो तो नन भी कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ राउंड कर सकते हो। तो राउंड में आपकी रेलिंग आ जाएगी और स्क्वायर में भी आपकी रेलिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से मैं राउंड ले लेता हूँ। राउंड लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेप्थ का कि आप इसकी डेप्थ कितनी देना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा डेप्थ कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। देन विड्थ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो एंड देन यहाँ से हाइट को भी कम ज़्यादा आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो उस तरह से मैं अगर इसकी हाइट यहाँ पे दे देता हूँ ऑलमोस्ट 3 feet 6 inch। फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं इसे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोअर रेल आ जाती है। लोअर रेल में आ जाती है प्रोफाइल सेम एज इट इज़ अराउंड या स्क्वायर, जो भी आप देना चाहोगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से नन कर देता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, और इधर आप राउंड देना चाहते हो तो राउंड भी दे सकते हो। उसी के बाद अगर आप यहाँ पे सेगमेंट्स डालना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ से लोअर रेल स्पेसिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे काउंट के ऊपर 2-3 जितने भी आप देना चाहते हो उतने आप यहाँ से दे सकते हो। देन अगर इसके बाद अगर आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हो, तो स्पेसिंग चेंज करने के लिए आपने नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई, या आप यहाँ से और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जैसे कि एंड ऑफसेट या सेंटर्ड। तो मैं यहाँ से सिंपली फ्री सेंटर ले लेते हैं। फ्री सेंटर में आप यहाँ से स्पेसिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो, जितनी भी आप कम ज़्यादा करना चाहते हो उतनी स्पेसिंग आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। देन अगर आपने यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे एजेस से करना चाहते हो, सेंटर से करना चाहते हो, फॉलो से करना चाहते हो, किसी से भी आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो। देन काउंट्स को अगर आप कम करना चाहते हो, जितने भी कम करोगे उतने कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से रेलिंग्स को ऐड अप कर सकते हो। तो देन मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो उस तरह से आप यहाँ से सेटिंग। देन इधर क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि पोस्ट। तो पोस्ट में क्या होता है, जैसे मैं इसकी सेटिंग को राउंड करता हूँ तो पोस्ट हमारे जो अदर ये साइड्स होती हैं, यहाँ से आप इनकी पोस्ट को चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा जो भी करना चाहते हो इसके साथ आप यहाँ से चेंजेस ला सकते हो। तो जैसे ही यहाँ अगर मैं यहाँ से स्क्वेरिश कर देता हूँ तो स्क्वेरिश हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से राउंड भी आप इसको रख सकते हो। देन यहाँ से भी अपने डेप्थ विड्थ जो भी बढ़ाना चाहते हो, और यहाँ से एक्सटेंशन जो देते हैं एक्सटेंशन दे सकते हो। विड्थ यहाँ से 2 inch कितनी करना चाहते हो उतनी यहाँ से कर सकते हो।
देन यहाँ से भी आप नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ा सकते हो, अगर काउंट वन करना चाहते हो, थ्री करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे पोस्ट जो है वो लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ से स्क्वेयर करता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि कैसे उसका पता चलेगा। तो यहाँ से मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, तो आपकी जो पोस्ट है एक और ये दो और ये तीन पोस्ट यहाँ पर लग चुकी हैं। आप यहाँ से फिर से क्लिक कीजिए तो यहाँ पर थ्री आ चुकी हैं। अगर आप एक करना चाहते हैं तो एक कर दीजिए, तो एक जो है यहाँ पर एक शो हो जाएगी और दूसरी यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहां से सेटिंग्स कर सकते हो। आपको हर एक सेटिंग यहां पे दी होती है रेलिंग की, जैसे भी आप करना चाहते हो उस हिसाब से आप सेटलमेंट कर सकते हो। उसी की तरह यहां पे फेंसिंग होती है। फेंसिंग क्या होती है, ये जो बीच के ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं ये फेंसिंग होती है हमारी। तो यहां पे पिकेट्स होती है, नन होती है कि नन कर देना चाहते हो, या सॉलिड फॉर्म में रखना चाहते हो तो सॉलिड फॉर्म भी आप यहां से कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं पिकेट्स कर देता हूं, पिकेट्स में क्या होता है कि आपका यहां पे सेम वही प्रोसीजर होगा, राउंड रखना चाहते हो या आप इसको स्केरिश में रखना चाहते हो स्केयर कर सकते हो। देन यहाँ पे सेगमेंट्स आप ऐड अप कर सकते हो, जितनी सेगमेंट्स आप डालना चाहते हो उतने सेगमेंट्स दे सकते हो। देन यहाँ से क्लोज करके आप एक्सटेंशंस को भी बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो एक्सटेंशंस वो भी कर सकते हो। और यहाँ से बॉटम ऑफसेट भी होता है हमारा, तो बॉटम ऑफसेट के थ्रू भी आप यहाँ से, बॉटम ऑफसेट के थ्रू ये होता है कि आपकी जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। उसी तरह से अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हो कि अगर आप सॉलिड फॉर्म में रखना चाहते हो इसे, तो सॉलिड फॉर्म में भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से सॉलिड फॉर्म कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस को भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, हम इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। टॉप ऑफसेट को हम अगर नीचे की तरफ ले आते हैं कुछ इस तरह से, तो आपका टॉप ऑफसेट यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट ऑफसेट भी आपका चेंज करना चाहते हो तो लेफ्ट ऑफसेट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड देन यहाँ से मैं इसके टॉप ऑफसेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड देन यहाँ से लेफ्ट और ये राइट ऑफसेट को भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और बॉटम ऑफसेट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की रेलिंग को भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारी रेलिंग्स के बारे में, कि अगर रेलिंग्स को बनाना चाहते हो तो किसी भी तरीके के साथ आप रेलिंग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं, कि जैसे कि अगर मैं ये एक लाइन यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ से आता है आपका रेलिंग, और यहाँ से पिक रेलिंग पाथ कर देते हैं, तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली यहाँ पे ही रेलिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ अगर आप पिक पाथ के थ्रू बनाना चाहते हो तो पिक पाथ के थ्रू बना सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से मैनुअली भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि हम रेलिंग का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर। तो थैंक यू सो मच आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, एंड हैव ए नाइस डे।